Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be sharing my top picks from the brand Aqualogica. Aqualogica के products के बारे में मैं थोड़ी बहुत बात करती रहती हूँ via my Instagram stories, posts, YouTube videos, monthly favorites में काफ़ी बार feature भी कर चुकी हूँ. So मुझे लगा एक dedicated video बनाते हैं जिसमें मैं specifically मेरे सारे जितने भी Aqualogica के favorite हैं वो मैं mention भी कर दूँ, उनके short reviews भी दे दूँ और आपको एक video में सब कुछ देखने को मिल जाएगा. So आज मैं specifically मेरे top favorite ही feature कर रही हूँ. वैसे तो बहुत सारे products हैं Aqualogica में, लेकिन ये वाले स्पेसिफिकली मेरे फेवरेट हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आई एम श्योर यू विल लव इट टू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा सबसे पहला फेवरेट है जो मुझे आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, खुद पर ही नहीं दूसरों पर भी. यस, कि मैं दूसरों पर भी यूज कर रही हूँ बिकॉज आई एम लविंग दिस वन. ये Aqualogica का ग्लो रेंज का जूसी ड्यू ड्रॉप्स. ये सेम रेडियंस रेंज का भी आता है बट ये वाली रेंज मेरी स्पेसिफिकली फेवरेट है. सो ये इट्स लाइक अ इंस्टेंट ग्लो पोशन. इसको आप स्किन केयर बोलोगे विद अ मेकअप लुक. मतलब ये लगता है एकदम ग्लॉसी एलुमिनेटर जो आप स्ट्रोक क्रीम लगाते हो ना, इसकी बिल्कुल वैसी लुक आती है. बट ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है तो इसके स्किन केयर बेनिफिट्स भी हैं. मैं अगर आपको नहीं पता, मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ तो मैंने अपन ना दो लुक्स क्रिएट करी है, एक हल्दी मेहंदी और एक ब्राइडल करी थी. मैंने दोनों पर मॉडल पर यही लगाया था एंड जो इतना प्यारा ग्लो आता है ना, मैं इसको मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हाई पॉइंट्स पर ड्रॉप करके लगा देती हूँ. इस बार तो मैंने ब्राइडल में उसके जो बेस होता है ना फाउंडेशन, उसके अंदर भी एक ड्रॉप मिक्स करी थी बिकॉज विंटर्स बहुत ज्यादा है, हमारा फाउंडेशन फटता है, केकी होता है. और ये काफी अच्छा हैक है अगर अभी आपका बहुत ज्यादा फाउंडेशन क्रैक हो रहा है ना, तो ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. इसके अंदर काफी अच्छे स्किन के इंग्रेडिएंट है, लाइक इसके अंदर विटामिन सी है, पपाया है, दोनों का एक ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है. विटामिन सी तो वैसे ही बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है. इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, इसी की वजह से इसको लगाने के बाद स्किन एकदम प्लम्प लगती है, नरिश लगती है. इसमें विटामिन ई भी है, इसमें ग्लिसरीन भी है. तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या फिर आप जब मेकअप करते हो आपका बेस क्रैक होता है, ट्रस्ट मी इसको जरा बेस पर लगा के देखो, यू विल लव इट. सो ये कुछ इस तरह की ड्रॉपर स्टाइल पैकेजिंग में आता है, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है और इसमें से आपको ऐसी छोटी सी ड्रॉप मिलती है. सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉप इट लाइक दिस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी ज्यादा रनी है लेकिन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये क्या शाइन देता है आपके फेस को. मतलब आपका फेस एकदम कहते हैं ना लाइट मारता है फेस. इसके अंदर बहुत टाइनी, लाइक बहुत 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 ज्यादा टाइनी एकदम शिमरी पार्टिकल्स है जिसकी वजह से इस पर बहुत अच्छा ग्लो आता है. सो अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करना चाहते ना, आपको सिर्फ एक सटल ग्लो चाहिए अपने फेस पर या फिर आपकी स्किन अभी ड्राई है, क्रैक हो रही है, जस्ट ट्राई दिस वन. बहुत अच्छे से आपकी स्किन शाइन करती है. आई थिंक अभी तो जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा बट जब मैं इसको फेस पर यूज करती हूँ, लाइक अभी ये स्किन पूरी ड्राई है, ऐसी डल डल फील हो रही है. वाइल द शाइन ऑन दिस वन इज सो गुड. आई लव द फैक्ट इसके जो पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल भी वो चंकी बड़े बड़े नहीं है. इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स है जो पता भी नहीं चलते, एकदम प्यारा सा नेचुरल ग्लो लगता है. तो या तो आप इसको फुल फेस पर लगा लो या फिर हाई पॉइंट्स पर लगा लो या फिर ब्लश के साथ मिक्स कर लो. मैंने इसके साथ एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, यूट्यूब शॉर्ट्स अगर आप रेगुलरली देखते होगे, मैंने वहां पर भी रिव्यू किया था. तब मैंने ब्लश में मिक्स करके लगाया था, फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया था. सो दिस इज रियली नाइस. अगर आप एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट देख रहे हो जो स्किन केयर के साथ मेकअप के बेनिफिट्स भी दें, आई थिंक दिस इज रियली गुड. नेक्स्ट प्रोडक्ट भी है उनके ग्लो रेंज का बट ये है एक एलोवेरा जेल. आई डोंट नो व्हाई Aqualogica के एलोवेरा जेल इतने अंडररेटेड क्यों है, बिकॉज मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है. अब तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर ही आ चुका है. ये Aqualogica का ग्लो रेंज का एक्टिवेटेड एलोवेरा जेल. इसमें भी आपको मिलता है पपाया, विटामिन सी, ये ब्राइटन अप करता है, हाइड्रेट करता है एंड ऑफकोर्स इनकी यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है जो वाटर को लॉक करती है आपकी स्किन में. सो इसका जो टेक्सचर है, एक तो इसमें कलर नहीं है विच इज अ वेरी नाइस थिंग. मैं तो एलोवेरा जेल बिल्कुल नहीं लेती जिसमें वो अजीब सा एक ग्रीन कलर होता है. यू कैन सी ये एकदम ट्रांसपेरेंट है जो एकदम प्योर एलोवेरा जेल जैसा टेक्सचर होता है एंड इट ब्लेंड्स इन टू योर स्किन रियली वेल. सो मैं काफी बार जब फेस पर शेव करती हूँ, लाइक अपर लिप्स शेव किया, आईब्रो शेव किए, मैं ये वाला एलोवेरा जेल लगाती हूँ. मेरी सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन को भी ये बहुत ब्यूटिफुली सूट करता है. ऑल्सो मैं अपने बालों पर भी लगाती हूँ. विंटर्स में स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना, डैंड्रफ हो जाता है, फ्लेकी फ्लेकी हो जाती है. सो अगले दिन अगर मुझे कहीं जाना है, मेरी क्लासेस है, मुझे ऑयलिंग नहीं करनी. विंटर्स में वैसे भी ज्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो डैंड्रफ ना और ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एलोवेरा जेल. मैं DIY एक एंटी डैंड्रफ वो भी बना लेती हूँ, उसमें हल्का सा टी ट्री ऑयल डाल देती हूँ. अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी लगाओगे ना तभी भी अच्छा है. यस, आप ये वाला जेल अपने बालों पर भी यूज कर सकते हैं. दिस इज सूटेबल फॉर हेयर एज वेल. तो अच्छे से हेयर लेंथ पे लगा लो, स्कैल्प पर लगा लो अगर ड्राइनेस हो रही हो तो. गर्मियों में तो मैं इसको फ्रिज में रखती थी. ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल आप बॉडी पे अगर वैक्स कराते हो, कुछ फेस पर ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके बाद भी लगा सकते हो. काफी ज्यादा सूदिंग होता है, नरिशिंग होता है. ऑल्सो दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, थैलेट फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री. तो काफी ज्यादा सेफ है स्किन के लिए. एलोवेरा की गुडनेस तो मिल ही रही है, प्लस पपाया की, विटामिन सी की, टर्मरिक की, इन सबकी गुडनेस मिल रही है. तो ओवरऑल भी काफी अच्छा है. तो अगर आप एक अच्छा एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई इट आउट. Aqualogica की सेल पे तो ये वर्थ एवरी पेनी है. माय नेक्स्ट फेवरेट इज दिस Aqualogica रेडियंस प्लम्प लिप मास्क. इस लिप मास्क की तो काफी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं भी इसको बहुत
बार मेंशन कर चुकी हूँ, मेरे मंथली फेवरेट्स का भी ये पार्ट रहा है आई गेस। आई लव दिस वन, आप देख सकते हो सेंटर से मैंने डिगिन कर दिया है एकदम, बहुत अच्छा एकदम बामी सॉफ्ट टेक्सचर है जो ब्लेंड हो जाता है लिप्स पर, बिल्कुल भी वो हैवी थिक फील नहीं होता। सो ये एक लिप मास्क है, तो अगर आप रात को लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रात को इसके ज़्यादा अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। खाली एक थिन लेयर लगानी है लिप्स पर, बहुत अच्छी एक नरिशमेंट देता है, लिप्स को ओवर नाइट रिपेयर करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के इशूज़ हैं या लिप्स आपके चैपी रहते हैं, जैसे अभी विंटर्स चल रही है, बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, तो जो रात का टाइम होता है ना वो एकदम परफेक्ट होता है अपने लिप्स को नरिशमेंट देने के लिए। रात को एक थिन लेयर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो, सो जाओ, सुबह आपके लिप्स लिटरली एकदम सॉफ्ट स्मूथ और एकदम प्लम लगते हैं, बिकॉज इसमें इंग्रीडियंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके इंग्रीडियंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वाटरमेलन, उसका तो बहुत एक अच्छा टेस्ट आता ही आता है। अगर आपको वाटरमेलन वाले फ्लेवर पसंद है ना तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा शीयर बटर मिलेगा, नायसिनमाइड मिलेगा। नायसिनमाइड स्पेसिफिकली लिप्स को भी जो डार्कनेस होती है उसको हल्का सा लाइटन अप करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा जो काफ़ी बार हम लिपस्टिक्स एंड ऑल लगाते हैं, बहुत बार जो मैट चाकी लिपस्टिक होती है उससे भी लिप्स हमारे डार्क हो जाते हैं, तो ये उसको डेफिनेटली कम करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो अगेन एक अच्छा हाइड्रेशन देगा लिप्स को। सो ओवरऑल इसके इंग्रीडियंट्स काफ़ी अच्छे हैं, एकदम पतली लेयर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। अभी मैं हल्का सा लगा लेती हूँ, जस्ट आई जस्ट यूज माई थम, हल्का सा स्कूप आउट किया एंड जस्ट मसाज इट ऑन योर लिप्स रियली वेल। लगाते हो लिटरली नॉस्टैल्जिया हो जाता है, ऐसा लगता है मैं वही वो बबल गम का एक रोल आता ना बचपन में जिसमें एक सुपरमैन जैसा बना होता था, इसकी बिल्कुल वैसा वाला फ्लेवर है, जो खुशबू आती है ना वो डिट्टो वैसी है। सो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील होता है, बट या इट्स नाइस अगर आप एक अच्छा लिप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो जो आप डे टाइम में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं खाली इसको रात को लगाना है। लिप मास्क है आप कभी भी लगा सकते हो, अगर आप एक इंटेंस नरिशमेंट चाहते हो तो आप डे टाइम में भी लगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ड्यूप है, एक्सपेंसिव लिप मास्क, हमें पता है लेनेज एंड ऑल कितने महंगे लिप मास्क आते हैं अभी मार्केट में, सो इसका बहुत अफोर्डेबल ड्यूप है, सेल पर तो आपको ये और अच्छे रेट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अप इज अ वेरी हैंडी टू यूज लिप बाम, ये उनका हाइड्रेट रेंज का लशियस लिप बाम है। आई थिंक लिप बाम इनके रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया था, आई लव्ड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर अफोर्डेबल है, 199 रुपीज का आता है, प्लस डिस्काउंट तो चलते ही रहते हैं, तो आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा। सो इसके अंदर आपको मिलता है कोकोनट वाटर, हाइलुरोनिक एसिड एंड इसमें SPF भी है। इसमें आपको मिलती है SPF 20 विद UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। सो अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो, आपका पीक जो धूप का टाइम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग है, सो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि आप सनस्क्रीन तो लगाओ फेस पर, लेकिन लिप पर भी आप जो लगाते हो ना एक लेयर लिप बाम की कोई ऐसी लगाओ जो आपको सन प्रोटेक्शन भी दे, बिकॉज काफ़ी बार धूप की वजह से हमारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। सो इसमें परफेक्ट SPF 20 है, विच इज़ जस्ट गुड फॉर योर लिप्स एज वेल। सो इसका कोई भी कलर नहीं है, विच आई रियली लाइक, बिकॉज काफ़ी बार मुझे लिपस्टिक अच्छी लगानी होती है, फिर कोई लिप बाम होता है ना जिसका अपना कलर होता है, फिर लिपस्टिक का कलर चेंज हो जाता है। सो आई रियली लाइक लिप बाम जिसके अपना कोई कलर नहीं होता, इसका एकदम एक क्लियर टेंट है, तो आप कोई भी अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगाओगे ना तो इसका कलर चेंज नहीं करेगी, बट उसको एक अच्छी नरिशमेंट दे देगी, एक मॉइस्चराइजेशन दे देगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन सी इट हैज़ नो कलर व्हाटसोएवर, लेकिन बहुत अच्छा ये नरिशमेंट देता है। ईजी टू यूज़ है, बैग में डालो फटाफट से यूज़ कर लो, एंड इंग्रीडियंट्स तो इसके अच्छे हैं ही। इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो है कोकोनट वाटर, और इसमें फ्लेवर भी आता है, अगर आपको कोकोनट वाला फ्लेवर बहुत पसंद है ना तो ये लिप बाम आपके लिए परफेक्ट है। एक और लिप बाम आता है इनका रेडियंस वाला, जो पिंक वाला आता है, उसमें वाटरमेलन वाला फ्लेवर है, जैसे लिप मास्क आता है ना सेम उसी रेंज का ऐसा वाला लिप बाम भी आता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो, मुझे ये कोकोनट वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कोकोनटी फ्लेवर अच्छा लगता है। सो कोकोनट वाटर है, विच इज़ अगेन रियली नाइस फॉर लिप्स एज वेल, एक अच्छी नरिशमेंट देता है। फिर आपको मिलता है इसमें हाइलुरोनिक एसिड, शीयर बटर, वाइटामिन ई, मतलब ये जितने भी इंग्रीडियंट्स हैं ना ये एकदम भर भर के नरिशमेंट देते हैं लिप्स को। तो विंटर चैपी या फिर वैसे भी अगर आपके लिप्स चैप रहते हैं या फिर आप कोई मैट लिपस्टिक लगा लेते हो, काफ़ी बार हम मैट लिपस्टिक लगा के चले तो जाते हैं लेकिन एक या दो घंटे बाद इतनी ज़्यादा वो क्रैक होती है, बहुत अजीब लगती है। सो उससे बेटर है एक और लिपस्टिक का कोट बढ़ाने से अच्छा एक लाइट लिप बाम लगा लो अपने लिप्स पर, या फिर उसको पहले लगा लो उसके ऊपर कोई लिपस्टिक लगाओ तो वो क्रैक भी नहीं होगी, एंड एज आई सेड इसका क्लियर टिंट है तो वो एकदम कलर भी चेंज नहीं करेगा। सो इट्स लाइक अ वेरी नाइस लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द क्लियर प्लस रेंज, एक्वालॉजिका ने रिसेंटली लॉन्च करी है उनकी क्लियर रेंज जो स्पेसिफिकली बनी है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। इनका बॉडी लोशन आता है, मॉइस्चराइजर आता है, सनस्क्रीन आती है, और ये उसी रेंज का है एक्ने करेक्टर, प्योरीफाइंग एक्ने करेक्टर इसका नाम है क्लियर रेंज का। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली नाइस पैकेजिंग, बहुत एक अच्छी हाइजीनिक ईजी टू यूज पैकेजिंग बनाई है। सो क्या होता है ना काफी बार हमें एक दो जिट्स होते हैं, इधर उधर कोई दाने हुए, तो हमें फालतू में पूरे फेस पर कुछ ऐसा यूज नहीं करना, वी जस्ट वॉन्ट अ टारगेट एप्लीकेशन जो ओवरनाइट वर्क करे उस पर, तो उसके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से, यू कैन सी एक बहुत अच्छा एक हैंडी नॉजल आता है और इसमें से निकलता है जेल जो एकदम ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो। बाय द वे ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है, तो अगर सेंसिटिव स्किन है तभी भी आपके लिए परफेक्ट है। सो इसको क्या करना है, डायरेक्टली आपको यूज करना है अपने आपके कोई भी एक्ने हो, कोई जिट हो जाता है, आप खाली उसके ऊपर यूज करो, ऐसे हल्का डैप कर दो एंड दैट्स इट, उसको ज्यादा स्प्रेड करने की भी जरूरत नहीं है।
सो इसमें आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड, जो हम सबको पता है कितना अच्छा एक्सफोलिएंट होता है, केमिकल एक्सफोलिएंट होता है, BHA होता है, डीपली हमारी स्किन को अनक्लॉक करता है, तो एक्ने को जो किल करने में हेल्प करता है ना, वो मेन इंग्रेडिएंट इसमें सैलिसिलिक एसिड ही है। फिर इसमें आपको ग्रीन टी भी मिलती है, जो अगेन ग्रीन टी का जो इफेक्ट होता है, एक तो काफ़ी अच्छा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कम करता है, एट द सेम टाइम रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है, तो जो काफ़ी बार पिंपल के एरिया पर रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेड रेड रहता है, तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, इसलिए ये इतना ज़्यादा ड्राइंग नहीं है। हम बहुत सारे एक्ने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, हमारी स्किन एक पर्टिकुलर जगह से ड्राई हो जाती है, पील होनी शुरू हो जाती है, इसके साथ वो केस नहीं है। जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, वो काफ़ी अच्छे से स्किन को नरिश रखता है, हाइड्रेशन वहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो तीनों इंग्रीडियंट्स का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा और इसमें अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं जो एक्ने के लिए एकदम परफेक्ट है। सो अगर आपको थोड़े बहुत जिट्स होते हैं, पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, तो आप ये लेकर रख सकते हो। जेल बेस्ड है तो ऑयली स्किन के लिए भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी वो ग्रीसी फील नहीं होता, फटाफट से सूख जाता है उस एरिया से, आप रात को लगाओ और सो जाओ। आई थिंक ऐसे एक्ने करेक्टर रात को लगाने के लिए परफेक्ट रहते हैं, बिकॉज ओवरनाइट जब ऐसे ये ट्रीटमेंट होती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, वेरी हैंडी टू यूज एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट प्रोडक्ट ने लिटरली मेरे को शॉक कर दिया था, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्टली वेरी वेरी सरप्राइज विद द होल फील, और जो एक आफ्टर इफेक्ट आता ना, मैं खुद शॉक थी कि इसका टेक्स्चर कैसा और इसकी फील कैसी है। सो ये है एक्वालॉजिका की सेम क्लियर रेंज की ही इनविजिबल सनस्क्रीन। एक्वालॉजिका ने रिसेंटली अपनी इनविजिबल सनस्क्रीन लॉन्च करी है, सो ये उनकी क्लियर रेंज की है, अगेन परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन पीपल। इसमें आपको मिलता है ग्रीन टी, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। सो इसका नाम इनविजिबल सनस्क्रीन क्यों है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज ये दिखती है कुछ इस तरह से। गेस, इट्स अ ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन, मतलब जो हमारा दुख था ना सबसे बड़ा कि व्हाइट कास्ट आ रही है, व्हाइट व्हाइट लग रहा है आईब्रोज में, यहाँ साइड के बालों में व्हाइट व्हाइट घुस रहा है, वो सारे इश्यू इससे सॉल्व हो जाता है, बिकॉज ये एक्चुअल में व्हाइट कास्ट वो देती नहीं है। ये एक जेल बेस्ड एकदम ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन है, लगाने के बाद लिटरली ऐसा फील होता है कि मैंने कोई पोर फिलिंग प्राइमर यूज कर लिया, बिकॉज की बहुत एक अच्छा प्राइमर वाला स्मूथ इफेक्ट भी है। अगर आप कुछ एवरीडे मेकअप लुक के लिए देख रहे हो ना, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक बहुत ज्यादा लेयरिंग अप नहीं करनी, आप खाली सनस्क्रीन को यूज करो, इसके ऊपर कोई बीबी क्रीम फाउंडेशन लगा लो, सेट कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। मतलब ये सनस्क्रीन प्राइमर आई थिंक दोनों का काम कर जाती है, काफी अच्छा एक पोर फिलिंग इफेक्ट भी है इसका, एंड अगेन कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, बिकॉज क्लियर है एकदम, एंड SPF भी आपको अच्छी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है इनविजिबल है तो SPF नहीं है। इस पर आपको मिल रही है SPF 50 प्लस विद PA 3x+ प्रोटेक्शन, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, ये इनकी क्लियर रेंज की है। तो इसमें आपको ग्रीन टी, सैलिसिलिक एसिड, ये वाले इंग्रीडियंट्स मिलेंगे, जो अगेन एक्ने स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सैलिसिलिक एसिड अभी मैंने आपको बताया, ग्रीन टी के बेनिफिट्स, ये एकदम परफेक्ट होते हैं, क्लैरिफाई भी करता है स्किन को, हाइड्रेशन भी देता है। ऑल्सो दिस परफेक्ट फॉर लेयरिंग एज वेल, बिकॉज काफी बार जो टिंटेड वाली व्हाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन होती है, उसको हम बार बार रीअप्लाई करते हैं ना, तो बहुत हैवी फील होता है, बट सिंस ये इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसको कितनी बार भी लगा लो एकदम परफेक्ट है। तो आई थिंक बैग्स के लिए भी एकदम सही है, इसकी पैकेजिंग भी काफी हैंडी, आपके कोई भी बैग में फिट आ जाती है। तो बेस्ट पार्ट इज सनस्क्रीन में वो हार्मफुल वाले केमिकल फिल्टर नहीं है, जो सेफ नहीं होते स्किन के लिए, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, ऑक्सीबेंजोन, अल्कोहल, ये सब इस सनस्क्रीन में नहीं है, तो ये सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी एकदम परफेक्ट है। डेफिनेटली ट्राई इट, आई थिंक आप एक बार यूज करोगे ना, आपको खुद बहुत अच्छा लगने वाला है, मतलब बड़े डिफरेंट सी फील है सनस्क्रीन की, मैं खुद शॉक हो गई थी, बट आई लव्ड इट। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज फॉर योर बॉडी, एक्वालॉजिका की बॉडी लोशन रेंज भी आती है, जो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें भी जो इनकी डिफरेंट रेंजेस है ना, वो अलग अलग स्किन टाइप के लिए बनी है, जैसे क्लियर रेंज भी आती है, क्लियर प्लस वाली जो मैंने आपको बताया, वो एक्ने स्किन के लिए बनी है, तो अगर आपको बॉडी एक्ने या फिर आपकी बॉडी की भी जो स्किन है बेसिकली वो ऑयली ऑयली रहती है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ये वाली स्पेसिफिकली जो रेडियंस रेंज है ना, ये वेरी ड्राई स्किन के लिए, अगर आपकी इतनी ज्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो आप इनकी ग्लो वाली जो येलो वाली रेंज होती है वो ले सकते हो, एंड इनकी हाइड्रेट जो ग्रीन वाली रेंज आती है, That is for normal. तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बॉडी लोशन पिकअप कर सकते हो। मुझे आजकल विंटर्स में ये ज्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज दिस इज फॉर वेरी ड्राई स्किन, इस पर लिखा भी हुआ आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा, आप पढ़ सकते हो, दिस इज फॉर वेरी ड्राई स्किन। विंटर्स चल रहे हैं, हम सबको पता है, तो जलते हुए पानी से नहाते हैं, प्लस लेजर भी चल रहा है, उसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं तो भर भर के नरिशमेंट देती हूँ अपनी बॉडी को, एंड उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें भी आपको मिलती है यूनिक वाटरलॉक टेक्नोलॉजी, 24 आवर की मॉइस्चराइजेशन मिलती है। इसमें भी बहुत एक अच्छा है, वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस आती है, विच इज वेरी सटल, बिल्कुल भी लाउड वाली फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत सटल इसमें खुशबू आती है। देन इसमें नायासिनमाइड भी है, जो अगेन बॉडी के लिए भी अच्छा है। आई जस्ट शो यू द टेक्सचर, सो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, बिल्कुल भी रनी पतला नहीं है, लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है स्किन में, टाइम नहीं लगाता, ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत घंटे तक ब्लेंड कर रही हूं, काफी जल्दी ये स्किन में चला जाता है, एकदम सॉफ्ट सपल बना देता है स्किन को। सो अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है, आई थिंक ये वाली रेंज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी है, एंड
course, the ingredients are nice as well. Also, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा dry skin के लिए तो एक greasy होगा, चिपचिप होगा, over shiny होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. काफी lightweight है, non-sticky है, बहुत जल्दी skin में चला जाता है. जो nourishment हमारी skin को चाहिए होती है ना, वो nourishment ये definitely देता है. And at the same time, बिल्कुल भी sticky, चिपचिप नहीं feel होता. Like look at this, आपको बिल्कुल भी वो stickiness नहीं दिख रही होगी. So really nice. अगर आपकी super dry skin है तो आप ये try कर सकते हो. Otherwise, अब obviously अपनी body के skin type के हिसाब से और range भी try कर सकते हो. By the way, if you don't know, Acrologica का जो है वो PETA approved vegan cruelty free brand है. तो अगर आप cruelty free products use करना prefer करते हो, then Acrologica is something you can try. So ये थी मेरी top picks from Acrologica brand. Do let me know in the comment section कि आपका कौन सा favorite product है from Acrologica. किसी का भी अगर mini review देना चाहते हो तो आप नीचे जरूर share कर सकते हो. I always say comment section में थोड़ा useful बनाओ. अगर कोई ऐसा product है जो मैंने इस video में नहीं mention किया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसका review definitely नीचे comment section में दे सकते हो. ये सब आप ले सकते हो Acrologica की official website से. You can use my code Kashika20 for extra 20% off. Kashika20 लगाओगे Acrologica की website पे तो off तो मिल ही जाएगा, plus sale भी चलती रहती है, so you can definitely check it out. And इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो, आपको ये Amazon, Nykaa पर भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर ये कोड अवेलेबल नहीं होगा. मैं पहले बता रही हूँ, कोड खाली Acrologica की वेबसाइट के लिए ही है. ऑल्सो ये कोड एफिलेट नहीं है, मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस. इन सबके लिंक्स डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक करना. और इसके अलावा कोई डाउट है, लाइक जितने प्रोडक्ट्स के मैंने रिव्यू करे हैं, कुछ मिस कर दिया, कोई पॉइंट मिस कर दिया, फिर कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट एज वेल. सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर यहाँ तक आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो काफी बुरी बात है. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. आई नो मेरे जो लॉन्ग वीडियो वाले अपलोड्स हैं वो थोड़े से स्लो चल रहे हैं, बिकॉज यू गाइज नो द रीजन. बहुत ज्यादा काम चल रहा है पर्सनल लाइफ में, तो इसलिए मैं ज्यादा लॉन्ग वाली वीडियोज नहीं बना रही, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा सा अपडेटेड रहूँ, चैनल पर भी अपना फोकस करूँ, बिकॉज दिस इज माई वर्क. सो या दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.